दोस्तों अभी सुमन गिल और रोहित शर्मा को बेहतरीन ओपनर जोड़ी मानते हैं, हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों ऐसे कप 2023 में भारत का दूसरा मुकाबला नेपाल के साथ खेला गया, जिसमें से रोहित शर्मा और सुमन गिल की बेहतरीन और विस्फोटक पारी की बदौलत यह मुकाबला 10 विकेट से अपने नाम कर लिया है और सुपर फोर में अपने जगह पक्की कर लिया है। आखिरकार ओपनर बल्लेबाज सुमन गिल और रोहित शर्मा ने इस मैच को कैसे जिताया, आपको उसकी तूफानी की पूरी वीडियो दिखाने जा रहे हैं, साथ ही इस मैच की पूरी हाईलाइट भी दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि एशिया कप का ट्रॉफी भारत ही जीतेगा? नीचे कमेंट अपना राय जरूर बताइएगा। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप के अपने दूसरे मुकाबले में नेपाल की टीम को 10 विकेट से अपना मात देकर सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल की टीम ने 10 विकेट खोकर 230 रन बना लिए थे। जवाब में बारिश के चलते टीम इंडिया को 23 ओवर में 145 रन का टारगेट मिला। इसके जवाब में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और सुमन गिल ने शानदार हाफ सेंचुरी की दम पर टीम को बिना किसी विकेट खोए जीत हासिल कर लिया। भारत और पाकिस्तान ने 3-3 अंक के साथ सुपर 4 में जगह बना लिया, जबकि नेपाल दोनों मैच हारने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गया। इस मैच में बारिश के कारण लगभग 3 घंटे तक खेल रुका रहा। जब भारत 2.1 ओवर में बिना किसी नुकसान के 17 रन बनाए थे, तब बारिश के कारण लगभग 2 घंटे तक खेल रुका रहा। इसके बाद भारत को DLS के अनुसार 23 ओवर में 145 रन का लक्ष्य मिला। भारत ने 20.1 ओवर में बिना किसी नुकसान के 147 रन बनाकर जीत दर्ज कर लिया। रोहित शर्मा ने 59 गेंदों पर 6 चौके और 5 छक्के की मदद से नाबाद 74 रन बनाए, जबकि सुमन गिल ने 62 गेंद पर नाबाद 67 रन बनाए, जिसमें से 8 चौके और 1 छक्का शामिल था। पाकिस्तान के खिलाफ अपने मैच में 104 रन पर आउट होने वाले नेपाल के आसिफ शेख और कुशल भुरतले ने पहले विकेट के लिए 65 रन जोड़कर अच्छी शुरुआत दिलाई थी। निचले क्रम में सोमपाल ने 56 गेंदों पर 48 रन की उपयोगी योगदान दिया था। भारत के गेंदबाज नेपाल के अनुभवी बल्लेबाजों के सामने प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे और यह मुकाबला भारत ने 10 विकेट से अपने नाम कर लिया। भारत की तरफ से रवि जडेजा ने 40 रन देकर 3 विकेट लिए, लेकिन दूसरे स्पिनर कुलदीप यादव ने कोई भी सफलता नहीं ले पाए। तेज गेंदबाज में मोहम्मद सिराज ने 61 रन देकर 3 विकेट झटके, जबकि मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या को 1-1 विकेट मिला। भारत के ओपनर जोड़ी हालांकि बल्लेबाजी का अच्छा अभ्यास किया है, उन्होंने शुरू से आक्रामक रूप अपनाया। गिल ने बारिश के बाद खेल फिर से शुरू होने पर 12 रन और जबकि रोहित शर्मा ने 4 रन अपनी पारी आगे बढ़ाई। इन दोनों ने नेपाल के प्रमुख स्पिनर संदीप लाविछाने के निशाने पर रखा। जब रोहित शर्मा ने 16 रन पर थे, तब लाविछाने का उनका विकेट मिल सकता था, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर गुलशन झा कैच नहीं कर पाए और गेंद 6 रन के लिए चला गया। रोहित शर्मा और सुमन गिल ने इसके बाद अपने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करके 13.4 ओवर में शतक की साझेदारी पूरा कर लिया। रोहित ने इसके बाद 39 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जबकि गिल ने इसके बाद लाविछाने पर चौका जड़कर 47 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लिया। उन्हें इसके बाद विजयी चौका लगाया और अंत में यह मुकाबला 10 विकेट से जीत कर सुपर फोर में क्वालिफाई कर गया। वैसे दोस्तों सभी को क्या लगता है कि इंडिया फाइनल मुकाबले में जीत पाएगी? नीचे कमेंट अपना राय जरूर बताइएगा। वीडियो से लाइक कर दीजिएगा और क्रिकेट से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।